अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और एलियन महाबली का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तो पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली अपने रोबोट को ठीक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बाबा अपने हॉट एयर बलून से आते हैं और आते ही कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और सॉन, इस दुनिया पर एलियंस का हमला होने वाला है, जल्द से जल्द तुम सभी तैयार हो जाओ और मेरे साथ यहाँ से निकलो, क्योंकि हमें कुछ भी कर इस दुनिया को बचाना ही होगा। बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली सॉन के तो छक्के ही छूट जाते हैं। तभी उनके छत के ऊपर से एक एलियन का UFO जाने लगता है, जिसे देखकर बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली सॉन, यही है वो UFO और इसी में से वो एलियंस उतरने वाले हैं। फिर गुल्ली और सॉन बाबा के हॉट एयर बलून पे बैठ जाते हैं और बुल्ली अपने रोबोट को लेके उनका पीछा करने लगता है और ये लोग देखते हैं कि वो UFO एक जंगल में जाके रुकता है, जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज उस UFO के अंदर से निकलते हैं। और ये क्या, ये तो महाबली है और महाबली भी उस एलियन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर ये लोग के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और सॉन, जाओ उसके पास जाओ, और वो लोग जैसे जाते हैं ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला करने आ जाते हैं। अब हम देखेंगे ये आगे क्या होता है। गुल्ली बुल्ली सॉन पर वो ज़ॉम्बीज हमला करने वाले होते हैं, जिन्हें महाबली ने भेजा होता है। ये सब देखने के बाद रोबोट बाबा से बोलता है, बाबा क्या मुझे आप एक मौका देंगे इन ज़ॉम्बीज के बच्चों को हराने का, बाबा मुझे जाने की इजाजत दीजिए, नहीं तो ये ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली सॉन को मार देंगे और हम यही खड़े के खड़े रह जाएंगे। बाबा कहते हैं, रोबोट मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मैंने तुम्हें कभी लड़ते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी पावर मुझे समझ में आ रही है कि किस हद तक जा सकते हो तुम इन गुल्ली बुल्ली सॉन को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा तुम्हें देखने के लिए कि तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं और तुम क्या कर सकते हो, तो जाओ रोबोट और इन ज़ॉम्बीज के बच्चों को धूल चटा दो। फिर वो रोबोट कहता है, धन्यवाद बाबा, अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। फिर वो रोबोट उड़ते हुए ज़ॉम्बीज के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, दूर हटो ज़ॉम्बीज, अब मैं आ चुका हूँ गुल्ली बुल्ली और सॉन तुम लोगों को बचाने के लिए, अब ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। गुल्ली बोलता है, अच्छा हुआ रोबोट तुम आ गए, नहीं तो हमारा क्या होता, और ये बाबा किधर रह गए, उन्होंने तो बोला था कि वो जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं आए हैं। फिर वो रोबोट कहता है, अरे गुल्ली ये सब बात करने का अभी समय नहीं है, पहले मुझे इन ज़ॉम्बीज को मार भगाने दो, फिर मैं बताता हूँ कि बाबा क्यों नहीं आए। फिर रोबोट एक जोरदार लात मारता है और वो ज़ॉम्बीज दूर जाके गिरते हैं और रोबोट कहता है, क्या निकल गई हवा। फिर महाबली चलते हुए रोबोट गुल्ली बुल्ली सॉन के पास में आता है और कहता है, अरे ओ रोबोट ये क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे लड़ने की गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें यहीं पे जिंदा गाड़ सकता हूँ, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक रोबोट हो और मैं तुम्हारे पुर्जों का इतने टुकड़े करूंगा कि वो कभी तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे, तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें लात मार के भी भगा सकता हूँ। महाबली की ये सारी बातें सुनने के बाद रोबोट बोलता है, अरे ओ लाल सिंह वाले बंदर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों से मैं डर जाऊंगा, मैं तुम्हें लड़ने की चुनौती देता हूँ, क्या तुम मेरे से लड़ना चाहोगे। महाबली हंसने लगता है और कहता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी तुम्हारे जैसे रोबोट से लड़के, क्या पता तुम मेरे बराबरी के तो निकलो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम मेरे सामने 2 मिनट भी टिक पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं आ जाओ दो हाथ कर लेते हैं। तभी बीच में बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, रोबोट रुक जाओ, मुझे इससे लड़ना है, मुझे देखना है कि ये महाबली में कितनी ताकत है, मैंने इसके बारे में बहुत सुन रखा है, तो मुझे एक बार इसे धूल तो चटा लेने दो। महाबली बाबा को देखता है और कहता है, तुम तो वही हो जिसने मेरे भाई किरमाडा को मारा था, मुझे याद आ गया, किरमाडा ने तुम्हारे बारे में बताया था और कहा था कि महाबली उस बाबा के बच्चे को कभी भी मत छोड़ना, और अच्छा हुआ कि तुम मुझे ऐसे ही मिल गए, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ के मार देता। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा अच्छा तुम्हें किरमाडा ने भेजा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, इस किरमाडा को जब मैंने धूल चटा दिया था तो ये किरमाडा फिर तुम्हें बताने क्यों गया, चलो अच्छा है और अच्छा ही हुआ
कि एक और काली शक्ति से मेरा सामना हो जाएगा। लेकिन तुम इन एलियन के साथ क्या कर रहे हो महाबली? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, तुम्हें समझने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। तुम्हें बस मुझसे लड़ना है, और आओ दो दो हाथ कर लेते हैं। फिर बाबा और महाबली के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। जिसके लास्ट में बाबा को महाबली मार देता है और बाबा बेहोश हो जाते हैं। और इधर जैसे ही बाबा बेहोश होते हैं, वो ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली सॉन को पकड़ लेते हैं। और अब आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या ये रोबोट अकेले गुल्ली बुल्ली सॉन और इस पूरी दुनिया को इनके हमले से बचा पाएगा, या फिर ये महाबली इन सब को मार देगा? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर कमेंट करें। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 को लेकर जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।